हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूरिपोटेंट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू इम्पोर्टेंट कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड बाय द टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। द फर्स्ट वन इज बीएमएस इन एयर कार्गो दैट इज ऑफर्ड बाय द राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, एंड द सेकंड वन इज बीबीए इन ट्रेवल एंड टूरिज्म दैट इज ऑफर्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। सो दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो है पहले अपना अलग एग्जाम कराती थी इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए, मगर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द सीयूईटी यहाँ पर जो सीयूईटी की रैंक है उसको ही कंसिडर किया जाता है फॉर द एडमिशन। सो इनमें से जो बीबीए है उसके लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, जो IETTM है उसकी साइट पे जाके और फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। सीयूईटी का फॉर्म तो भरना ही भरना है आपको, साथ में जो यूनिवर्सिटी है वहां पर ही आपको अप्लाई करना है अलग से। इसके अलावा जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो RGNAU राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी उसमें जो ऑप्शन आ रहा होगा और उसका कोर्स आप कर लेंगे सेलेक्ट ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, मगर जो इंस्टीट्यूट की साइट पे अप्लाई करना है उसकी अभी फॉर्म ओपनिंग हुई नहीं है, तो जब सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उसकी ओपनिंग होगी। तो चलिए पहले चलते हैं सीयूईटी की वेबसाइट पे और वहां पर आपको दिखाते हैं इन कोर्सेज के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, आपको डोमेन सब्जेक्ट क्या रखने हैं या किस बेस पे सिलेक्शन होने वाला है वहां पर। तो ये आ गया हम सीयूईटी की वेबसाइट पे, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज वाला सेक्शन है उसमें जाएंगे। सो ये हमारे पास आ गई है यूनिवर्सिटीज जो जो पार्टिसिपेट कर रही है। सो यहाँ पर हम सबसे नीचे चले जाएंगे। सो यहाँ पर हमको दिख रहा है सीयूईटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर हमें देखना है, लास्ट में देख सकते हैं आप ये दो, फर्स्ट इज द राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एंड सेकंड वन इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। तो चलिए पहले एक एक को क्लिक करके देखते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया, सो हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट उसका डेटा खुल चुका है। सो यहाँ पर बीबीए कोर्स ऑफर हो रहा है इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, और यहाँ पर जो आपको एंट्रेंस में सब्जेक्ट चुनना है वो सिर्फ जनरल टेस्ट के बेस पे ही यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, आपने अपना प्लस टू पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हो तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। सिर्फ जनरल टेस्ट देना है आपको और कोई सा भी दूसरा टेस्ट यहाँ पर नहीं देना है, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। बाकी जो डिटेल्स है, फीस कितनी है, प्लेसमेंट वगैरह सारी अभी देखते हैं। तो ये हमने देख लिया IETTM के बारे में, अब देखते हैं हम RGNAU के बारे में। सो दिस इज राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, सो इट इज ऑफरिंग बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज BMS कोर्स ऑफर कर रही है ये, एंड स्पेशलाइजेशन इन एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो। और यहाँ पर भी जो सिलेक्शन इट इज ऑन द बेस ऑफ द जनरल टेस्ट। और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, आपने अपना प्लस टू पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी हो आपके पास, आप यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन। बस जो रिक्वायरमेंट है वो है जनरल टेस्ट देना है आपको और उसके बेस पर सिलेक्शन है वो होगा। सो इन्हीं दो इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज डिटेल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। सो जो IETTM है ये मिलेगा कहाँ आपको, ये मिलेगा गोविंदपुरी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो तो स्पेशली इसे फोकस में रख ही सकते हैं, इसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो एडमिशन जो है ये ओपन है, किसी भी स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जो डिग्री आपको मिलेगी वो मिलेगी बाय द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो JNU यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री मिलेगी आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद। सो अगर बात करें इसके कैंपसेस की, तो मेन कैंपस तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश में, इसके अलावा ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, गोवा और नेल्लौर, ये टोटल 5 कैंपस मिलेंगे आपको IETTM के। बात करें अगर एज लिमिट की, सो देर इज नो एज लिमिट फॉर टेकिंग एडमिशन इन द बीबीए कोर्स, तो कोई भी एज लिमिट नहीं है एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें मेंटेन कैपेसिटी की, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सीट्स, और ये देख सकते हैं आप कि रिजर्वेशन वाइज कितनी कितनी सीट्स आएंगी किस कैटेगरी में। सो ग्वालियर में टोटल 112 सीट्स हैं, भुवनेश्वर में 75 सीट्स हैं, नोएडा में 113 सीट्स हैं, नेल्लौर में 75 सीट्स हैं। इस तरह से टोटल सीट का अकाउंट पहुंचता है 375। बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर फॉर द बीबीए टूरिज्म एंड ट्रेवल इट इज 2,80,000 अप्रॉक्स, मीन्स करीब करीब 3 लाख में आपका टोटल कोर्स हो जाने वाला है। दिस इज कोर्स फीस, फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा 1,08,000, सेकेंड ईयर में पे करना पड़ेगा आपको 88,000 और थर्ड ईयर में पे करना पड़ेगा आपको 82,500 रुपीज। एलिजिबिलिटी आपको बताई दी है, आपने अपना प्लस टू पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स तो होने चाहिए एंड 45% मार्क्स फॉर द SC/ST कैटेगरी। सो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया एलिजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा आपने सीयूईटी में फॉर्म भरा हो और सीयूईटी में आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए सीयूईटी का, यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है, ये 2024 होगा। या इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है वो अपना खुद का भी एंट्रेंस करवाएगा, आप उसके थ्रू भी यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन, क्योंकि फॉर्म तो आप भरेंगे ही, तो इंस्टीट्यूट का अगर आपको देना है एडमिशन टेस्ट तो आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर सीयूईटी देना है तो भी दे सकते हैं, फॉर्म आपका सीयूईटी और इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का दोनों ही भरने हैं आपको। सो जो IETTM एडमिशन टेस्ट दैट इज IAAT ये होगा 9th of June 2024 को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, हर सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा
एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। सो क्योंकि पैसे तो लगने ही है, चाहे आप सीबीटी का फॉर्म भरे उसका तो एग्जाम देना ही है आपको, और अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं एडमिशन के लिए तो वहां पर भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। सो आप दोनों ही टेस्ट दें, जो बेटर स्कोर हो आप उसको यूज करना। इसके अलावा आपने टेस्ट दे दिया, सीबीटी का स्कोर हो आपके पास या जो इंस्टीट्यूट टेस्ट कराएगा उसका स्कोर हो, उसके बाद आपका होगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा वो होगा भुवनेश्वर, ग्वालियर, नेल्लोर और नोएडा, इन सबके कैंपसेस में। एंड द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। iittm.ac.in यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे आपको प्रोसेस कैसे करना है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो तीन स्टेजेस में होने वाला है। पहला आपको देना है रिटन टेस्ट, दूसरा आपका होगा ग्रुप डिस्कशन, तीसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। इन तीनों के बेस पे जो सिलेक्शन है वो फाइनल होगा। जो मार्क्स का ब्रेकअप रहेगा वो क्या रहेगा, तो जो रिटन टेस्ट रहेगा या तो आप दें जो इंस्टीट्यूट है उसका खुद का एडमिशन टेस्ट, या जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है वो भी वैलिड है, यहाँ पर 70% वेटेज तो रहेगी उसकी। इसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसकी रहेगी 15% वेटेज, और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसकी रहेगी 15%। तो इस तरह से टोटल जो 100% वेटेज वो पहुंच जाती है। इसके बेस पे बनेगी फाइनल मेरिट, और उस फाइनल मेरिट के बेस पे जो सिलेक्शन है वो होंगे। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। सो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू बीबीए 5 जून है, लास्ट डेट एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा जो एडमिशन टेस्ट है आईटीटीएम का वो होगा 9th ऑफ जून को, जो जीडी ऑफ पर्सनल इंटरव्यू है वो होगा 11th और 12th जून को, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो होगा 15 जून को। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ एडमिशन फीस ये है जून 30, कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन ये होगा जून 15 से। सो काफी जल्दी जल्दी हो जा रहा है यहाँ पर सारा प्रोसेस। रिफंड पॉलिसी भी देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद लगा कि नहीं ये कोर्स आपके लिए नहीं है, या आपको कोई दूसरा बेटर कोर्स मिल रहा है आप स्विच करना चाहते हैं, सो रिफंड पॉलिसी कुछ इस तरह से है। तो अगर रिफंड चाहते हैं और आपने रिफंड रिक्वेस्ट किया ऑन रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन, नहीं जब एकेडमिक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया रिफंड के लिए, सो उस केस में जो एंटायर फीस है वो आपको कर दी जाएगी रिफंड। बस जो 5,000 रुपीज काटे जाएंगे और जो 1,000 रुपीज है प्रोसेसिंग फीस प्लस जो एडमिशन कैंसिलेशन चार्जेस है वो होंगे, बाकी सारी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन, तो उस केस में सो एडमिशन कैंसिलेशन चार्जेस ऑन प्रो डेटा बेसिस एंड 5,000 रुपीज एज प्रोसेसिंग फीस ये देनी पड़ेगी आपको। सो कैंसिलेशन तो बहुत ही कम केसेस में होता है। अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपने मन ही बनाया होगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। सो जस्ट एक स्लाइड डिटेल्स है कि आप अगर इन केस कुछ होता है तो उस केस में कैसे कैसे रिफंड पॉलिसी होगी। अगर फैसिलिटीज एट आईटीटीएम की बात करें, सो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में सारी फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी आपको, वाईफाई, जिम, हॉस्टल, बैंक, एटीएम, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, कैंटीन वगैरह सब मिलेगा। सो हॉस्टल फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है एट ग्वालियर, भुवनेश्वर, नेल्लोर, नोएडा कैंपस। हॉस्टल रेट वेरीज फ्रॉम 5,500 टू 7,500 फॉर ए सेमेस्टर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन, एंड दिस एक्सक्लूड द कॉस्ट ऑफ मनी डिपॉजिट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। द हॉस्टल मेस कॉस्ट इज 3,500 रुपीज टू 4,000 रुपीज पर मंथ। सो पर सेमेस्टर आपको करीब 5,500 से 7,500 रुपए, डिपेंड करता है आप रूम सिंगल ले रहे हैं डबल ले रहे हैं, तो इतना लगेगा आपको पर सेमेस्टर, मीन्स एक साल का करीब आपको 10,000-12,000 रुपए लग जाएगा हॉस्टल की फीस। इसके अलावा जो मेस चार्जेस हैं, मेस चार्जेस रहेंगे 3,500 रुपीज पर मंथ से लेकर 4,000 रुपए पर मंथ तक, 3,500 से 4,000 रुपए पर मंथ रहेंगे मेस चार्जेस। अगर बात कर ले प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, प्लेसमेंट कैसे गया है यहाँ पर फॉर द ईयर 2023, सो ये सब कंपनीज देख सकते हैं आप जो यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आई थी। हम बात फिलहाल कर रहे हैं नोएडा ब्रांच की, तो यहाँ पर ये सारी जो कंपनीज हैं दे आर ऑफरिंग प्लेसमेंट हियर। जो प्लेसमेंट पैकेज है वो देख लेते हैं। तो जितना बैच साइज था उसमें से कई लोग चले गए थे हायर स्टडीज के लिए और बाकी लोग जो है वो प्लेस हो गए थे। सो यहाँ पर जो एवरेज प्लेसमेंट गई थी वो 2.5 लाख से लेकर और 4.5 लाख तक प्लेसमेंट गई है यहाँ पर। तो देखते हैं हम कितनी कितनी प्लेसमेंट यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये है कंपनी का नेम, ये है पोजीशन, किस पोजीशन पे हुई है प्लेसमेंट, और ये है पैकेज, कितना पैकेज लगा है। तो यहाँ देख सकते हैं 4 लाख, 4 लाख, 3.4 लाख, और मिनिमम जो गया है वो 2.5 लाख गया है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप किस कंपनी ने कितना कितना पैकेज दिया है। सीधा ट्रेवल्स 4 लाख, 4 लाख, 4.2 लाख। तो यहाँ पर जो बाइको जर्नी है 2.4 लाख का पैकेज वहां पर है, 4 लाख, 2.5 लाख। तो जो एवरेज पैकेज है वो 2.5 लाख से लेकर और 4.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करेगा। तो ये थी हमारी बात अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट आईआईटीटीएम। एक बार चलते हैं आईआईटीटीएम की वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सो ये आ गए हम आईआईटीटीएम की वेबसाइट पे। सो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा एडमिशन 2024।
फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिशन बुलेटिन बीबीए का, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू एमबीए एंड बीबीए। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे, जहां पर आपको बोल रहा है कि आपको जो सिग्नेचर फोटोग्राफ है वो किस किस केबी का चाहिए। सो 500 केबी के अंदर होने चाहिए आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ, और ये जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सबसे पहले करना है आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर, उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा रजिस्टर का ऑप्शन, तो क्लिक कर देंगे रजिस्टर पे। यहाँ से कर दिया जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप पे रिडायरेक्ट। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना कोर्स, तो कोर्स हम बीबीए चुन लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा दिया आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जो आपको भी बताया है कि 3 स्टेप में सिलेक्शन होगा। या तो आपके पास जो इंस्टीट्यूट कराएगा एडमिशन टेस्ट उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, या सीयूटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इन सब बेसिस पे होगा सिलेक्शन। यहाँ पर टिक ऑप्शन देखिएगा टिक करके, और यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर फिर आपको आ जाएंगी सारी डिटेल्स भरने के लिए, कैसे कैसे आपको फिल करना है। फिर हमने कोर्स सेलेक्ट कर रखा है, कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा आपको अपना नेम डालना है एज पर मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। मोबाइल नंबर हमने डाल ही रखा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके अलावा आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, और बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन पूछी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरते जानी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एकेडमिक डिटेल्स डालनी है आपको, स्कूल नेम, बोर्ड, ईयर ऑफ कंप्लीशन, मार्क्स ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क्स और परसेंटेज। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट ए वैलिड स्कोर कार्ड फॉर सीयूईटी। सो अभी तो सीयूईटी का एग्जाम हुआ नहीं है, तो जब एग्जाम हो जाएगा तो भी आप यहाँ पर लॉग इन करके और डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आईएईटी है, जो आईटीटीएम का खुद का एंट्रेंस है, उसको कर लेते हैं हम सेलेक्ट। फिर आपको यहाँ पर चुनना है कि आप ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, इनके लिए कौन सा सेंटर चुनना चाहते हैं। सो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ 4 कैंपस है, ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा और नेल्लोर, वो चुन सकते हैं आप। यहाँ पर डालनी है आपको सेकंड प्रेफरेंस, यहाँ डालनी है आपको थर्ड प्रेफरेंस, और यहाँ डालनी है फोर्थ प्रेफरेंस। इसके अलावा प्रेफरेंस स्टडी सेंटर, मीन्स आप जब एडमिशन लेंगे तो कौन से सेंटर में आप एडमिशन प्रायोरिटी पे लेना चाहते हैं। सो यहाँ पर इन 4 कैंपस में से आपको सेलेक्ट करते जाना है कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा कैंपस सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो बाकी आपने आईटीएम के बारे में कहां से सुना, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर अपलोड करना है आपको अपना सिग्नेचर, यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके, और सबमिट फॉर्म एंड पे फीस, फॉर्म को कर देंगे सबमिट और जो फीस है उसको पे कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है, सो अपलोड फोटो पे क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो है उसको आप कर देंगे इसको अपलोड। बाकी फीस पे करने के बाद आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है अबाउट द आईटीटीएम वो हमने देखा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। सो आरजेएनयू के लिए एक वीडियो अलग से है, मैं उस वीडियो को यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, फीस वगैरह कितनी है एंड ऑल। बाकी आरजेएनयू के फॉर्म जो है अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसके फॉर्म रिलीज होंगे। तो आपको फॉर्म फिल करना है, अपना सीयूटी का स्कोर डालना है, उसके बाद यहाँ पर जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, द कैंडिडेट कैन ओनली रजिस्टर इन द पोर्टल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द सीयूटी यूजी 2023 रिजल्ट। तो यहाँ पर 2023 का ही आ रहा है अभी पोर्टल, 2024 के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा सीयूटी का उसके बाद यहाँ पर जो अपडेट है वो होगा। अगर आप यहाँ मोर पे क्लिक करते हैं सो आपको जो आरजेएनयू की मेन वेबसाइट है वहां पर ये पहुंचा देगा, और यहाँ पर भी अभी कोई डिटेल नहीं आई है फॉर द एडमिशन 2024। यहाँ पर अभी 2023 की डिटेल्स दिखा रहा है कि 2023 में जो स्पॉट काउंसलिंग है उसके प्रोसेस वगैरह क्या थे। सो जैसे ही इसकी आती है डिटेल्स, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो आरजेएनयू की डिटेल्स है सो आप इसको देख सकते हैं आगे कैसे कैसे प्रोसेस जो यहाँ पर रहता है। अगर आपने कभी एयरपोर्ट विजिट किया है तो आप देखेंगे कि जो हम सामान लेके आते हैं वो अलग से जाता है, इसके अलावा जो पैसेंजर्स होते हैं वो अलग से जाते हैं। तो इतने सारे लोग आते हैं एयरपोर्ट पे और उनका सामान जो मैनेज करना है, इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट स्किल। इसके लिए जो कोर्स होता है वो है मैनेजमेंट स्टडीज इन एविएशन सर्विसेज एंड एयर कार्गो। ये कोर्स जो है ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है इंडिया में, सो कोर्स जो है काफी डिमांडिंग है। अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं इन एविएशन सेक्टर, सो यू कैन गो फॉर द कोर्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस कोर्स के बारे में डिटेल्स, की यूनिवर्सिटी कौन सी है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा एडमिशन कैसे होता है, फॉर्म कब आते हैं, फीस कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सारी डिटेल्स इसमें भी देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो यूनिवर्सिटी है इट इज राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एंड इट इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इट ऑफर्स बैचलर्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इन एविएशन सर्विसेज एंड कार्गो। सो बीएमएस जो है ये ऑफर करती है इन एविएशन। जो कोर्स है इट इज ए 3-year कोर्स, इसमें से टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से 2 साल आपकी रहेगी स्टडीज, इसके अलावा जो 1 year रहता है वो रहता है इंटर्नशिप का। अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी जो है इसमें 10+2 विद एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यू कैन अप्लाई फॉर द कोर्स। अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम से सो यू कैन अप्लाई फॉर द कोर्स। मिनिमम जो मार्क्स है 12th क्लास में वो आपके 50% तो होने ही चाहिए। सीट्स कितनी होती है इसमें, टोटल जो है 120 सीटें हैं, और जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होगा। सिलेक्शन जो होगा
एक तो आपके 10+2 के मार्क्स देखे जाएंगे, इसके अलावा एक रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, इसके अलावा एक इंटरव्यू होगा, उसके बेस पे जो कंबाइंड मेरिट बनेगी, कंबाइंड मेरिट के बेस पे जो सिलेक्शन है वो होगा। एप्लीकेशन जो है वो मई की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं और जून तक खुले रहते हैं। सो जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे तो वीडियो बना दिया जाएगा उसके लिए। जो एप्लीकेशन की फीस रहती है वो रहती है 1000 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी, इसके अलावा 500 रुपीज रहती है सभी कैटेगरी की गर्ल्स के लिए। जो वेबसाइट है जहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वेबसाइट इज www.rgnau.ac.in। तो उसका जो कैंपस है वो है कहां पर, सो कैंपस इज इन फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी उत्तर प्रदेश, अमेठी में मिलेगा आपको इसका कैंपस। ड्यूरिंग द कोर्स जब आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप में होंगे, सो इंटर्नशिप में आपको कुछ अमाउंट जो है वो मिलेगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, और जो अमाउंट है वो 7500 से लेकर और 18000 तक वेरी कर सकता है। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी हैज ए प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 90%, मीन्स अगर आपका एडमिशन हो गया सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको जो प्लेसमेंट है वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि ये जो कोर्स है बहुत ही डिमांडिंग है, बिकॉज बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर करती हैं बीएमएस इन लॉजिस्टिक सेक्टर। सो बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है अभी, तो इसलिए जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं इसमें एक बार, तो 50% मार्क्स तो आपके 10+2 में होने ही चाहिए। इसके अलावा एज जो है वो 21 साल से कम होनी चाहिए। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर, मीन्स पूरे कोर्स में आपको फीस कितनी लगेगी। सो टोटल कोर्स है ये 3 ईयर का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और टोटल जो इसमें है वो 6 सेमेस्टर है। तो जो फीस का ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है। हम चलते हैं टोटल फीस पे। सो पहले देखते हैं टोटल फीस फॉर मेल कैंडिडेट। सो फर्स्ट ईयर में 1,26,000, 1,07,500 फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में फीस लगेगी। इसके अलावा जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें 1,15,000, फोर्थ सेमेस्टर में 1,07,500, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर 30,900। सो टोटल जो कोर्स का खर्चा आ जाता है वो आता है 5,36,900 रुपए, मीन्स करीब करीब 5.5 लाख रुपए में जो टोटल कोर्स है वो हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप ट्रांसपोर्टेशन फीस, मेस फीस, हॉस्टल फीस, सभी जो फीस है वो सारी इंक्लूडेड है, मीन्स ऑल ओवर टोटल जो खर्चा होने वाला है, टोटल खर्चा आपका 5.5 लाख के अंदर जो कोर्स है वो हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो फाइनल ईयर होगा, मीन्स जो थर्ड ईयर होगा, उसमें आपको इंटर्नशिप होगी, उसमें आपको कुछ अमाउंट भी मिलता रहेगा जो वेरी कर सकता है 7,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक, मीन्स अप्रोक्स 10,000 के ऊपर ही जो अमाउंट है वो मिलता है पर मंथ। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, सो उसमें जो टोटल फीस का अमाउंट पहुंचता है वो पहुंचता है 5,11,900 रुपए, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। मेल हो फीमेल हो, ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए में जो कोर्स है पूरा वो हो जाएगा। इसके अलावा जो ये कोर्स है इट इज कंप्लाइंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मीन्स अगर आप बीच में भी कोर्स छोड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, मीन्स फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर करके कोर्स छोड़ देते हैं सो उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आप छोड़ते हैं तो उसमें मिलेगा डिप्लोमा, और थर्ड ईयर के बाद तो डिग्री मिली जाती है। तो इसमें जो एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स हैं पर ईयर के अकॉर्डिंग, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस टाइप से होता है। सो आप जो पर ईयर है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना कितना जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर द एकेडमिक पॉइंट्स, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोर्स बीच में छोड़ दिया है उसके बाद आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप जो इन पॉइंट्स है उसके बेस पे जो एडमिशन है दोबारा से ले सकते हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हर कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज इन एयर कार्गो ऑपरेशंस। तो अगर आप भी एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वीडियो माइट बी हेल्पफुल टू यू। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे ही नए नए करियर ऑप्शन हम आपके सामने लाते रहते हैं, जिससे कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने करियर के बारे में। सो दिस इज अबाउट द टू इंटरेस्टिंग कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड बाय द IITTM एंड RGNAU। सो अगर आपका भी मैनेजमेंट कोर्सेज में इंटरेस्ट है सो आप इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बोथ आर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, तो फीस भी काफी रीजनेबल है और आपको टॉप नॉच एजुकेशन यहाँ पर मिलेगी। ऐसे इंडिया के अलग अलग इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स ओपनिंग जानने के लिए सब्सक्राइब करें द प्ले रिपीटेंट को। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए इंस्टीट्यूट के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।